नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विकसित भारत संकल्प यात्रा दे लाभपात्रियां नाल गलबात। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अनुसार जन औषधि केंद्रां दे संचालन लई आंदे 5 सालां विच 2 लाख नवे पैक्स बनाए जाणगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों नूं भारती दीपां दी सैर करन दी कीती अपील। पंजाब सरकार नूं माल विभाग तो दिसंबर महीने च पिछले साल दे मुकाबले 102 करोड़ रुपए तो वध दा मालिया प्राप्त। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर राइफल अते पिस्तौल निशानेबाजी मुकाबले अज तो इंडोनेशिया च। अते पंजाब समेत उत्तरी भारत विच सीत लहर जारी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही विकसित भारत संकल्प यात्रा दे लाभपात्रियां नाल गलबात कर रहे ने। इस प्रोग्राम विच देश भर तों विकसित भारत संकल्प यात्रा दे हजारां लाभपात्री हिस्सा लै रहे ने। ब्रांडिंग का काम ये सब हो रहा है, हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी की तरफ से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट टू सेलिंग टू द कस्टमर बेस्ड रही सर। डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेस्ड रही। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में नैनो यूरिया बेच रही सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको के तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में बहुत दिन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है, तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से 1 ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बंद करना पड़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार दी प्रमुख योजनावां दी जानकारी देने लई देश भर च चलाई जा रही है। इस यात्रा दी सहायता नाल सरकार यकीनी बना रही है कि समाबद्ध तरीके नाल इन्हां योजनावां दा लाभ योग लाभपात्रियां तक पहुंचे। पिछले साल 15 नवंबर तो इस यात्रा दी शुरुआत तो बाद प्रधानमंत्री देश दे वख-वख हिस्सियां नाल संबंधित विकसित भारत संकल्प यात्रा दे लाभपात्रियां नाल लगातार गलबात कर रहे ने। इस यात्रा दा मंतव लोगों नूं पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आयुष्मान भारत अते पीएम आवास योजना वर्गियां केंद्र सरकार दी वख-वख कल्याणकारी योजनावां दी जानकारी देना अते उन्हां नूं इन्हां दा लाभ पहुंचाउणा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी के तट से स्थित तेल और कुदरती गैस निगम के कृष्णा गोदावरी बेसिन तो पहले तेल उत्पादन की शलाघा की है। केंद्रीय पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी वालों सोशल मीडिया एक्स से पाई पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की ऊर्जा यात्रा लई एक शानदार कदम है और आत्मनिर्भर भारत लई साडे मिशन नूं हुलारा दिंदा है। इस नाल साडी आर्थिकता लई भी काफ़ी लाभ होणगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस प्रोजैक्ट तो हर रोज 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह अते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत दा फार्मा सैक्टर एक भरोसेयोग उत्पादक खेतर है। नवी दिल्ली विच अज प्राइमरी खेती कर्जा सोसाइटियां पैक्स कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया उन्हां कहा कि सहकारिता अते सेहत खुशहाली आपस विच जुड़े होए ने अते इस कॉन्फ्रेंस नाल इस खेतर विच एक नवा अध्याय शुरू हो गया है। उन्हां कहा कि जन औषधि केंद्रां दे संचालन लई पैक्स बनाए गए ने। उन्हां कहा कि आंदे 5 सालां विच 2 लाख नवे पैक्स बनाए जाणगे। उन्हां कहा कि जन औषधि केंद्रां दे शुरू होने नाल गरीब लोकां दा 26,000 करोड़ रुपया बचिया है। मित्रों, विश्व के फार्मा क्षेत्र में
जेनरिक दवाइयां, वैक्सीन, सस्ती एचआईवी दवाओं में भारत का विश्व में सप्लाई करने में सबसे पहला स्थान आज हो चुका है, भारत नंबर वन। फार्मा और बायोटेक प्रोफेशनल खड़े करने में, पढ़ाई लिखाई की मैं बात कर रहा हूं, इसमें दुनिया में हम दूसरे नंबर पर हैं। केंद्रीय वणज ते सनती मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार समुचे विकास लई लोक केंद्रित योजनावां लागू कर रही है। चेन्नई विच विकसित भारत यात्रा संबंधी समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि, मुद्रा कर्जा योजना ते सुकन्या समृद्धि योजनावां थोड़े समय दे व्यापारियां ते कारोबारियां समेत आम लोगों दे विकास लई लागू कीतीआं गईआं सन। उन्हां कहा कि इन्हां योजनावां दा लाभ हेठले पद्धर तक दे लोगों दे नाल नाल समाज दे सारे ही वर्गां तक पहुंचाया है, जिस नाल समाज विच समावेशी विकास होया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भारत विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों तो बाद मालदीव सरकार ने अपने तीन मंत्रियों को मुअत्तल किया। इस मामले को लेकर कई लोगों ने मालदीव वालों अपने मंत्रियों को मुअत्तल करने के समर्थन में अपनी पोस्टा साझियां कीतियां ने। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण ते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी लोगों को भारतीय दीपां की सैर करने लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में सैर सपाटे दीआं अणगिनत संभावनावां ने। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा ने भारत के बहुत सारे लोगों को इस द्वीप बारे जानकारी दिती है। भारत में जिथे एक पासे काशी वर्गी प्राचीन नगरी है, उथे ही साफ सुथरा समुद्री तट भी है। केंद्रीय सैर सपाटा मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि लक्षद्वीप सैर सपाटे दीआं वधेरे संभावनावां ने। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पिछले साल मई महीने तो देश भर च 44,000 करोड़ रुपए तो वध दी शक्की इनपुट टैक्स क्रैडिट चोरी विच शामिल 29,000 तो वध फर्जी फर्मां दा पर्दाफाश कीता है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष टैक्स अते कस्टम बोर्ड दे अधीन जीएसटी दे अदारे जाली रजिस्ट्रेशन अते जाली चलान जारी करन दे मुद्दे ते एकीकृत मुहिम चला रहा है। जीएसटी विच धोखाधड़ी नूं रोकण अते नियमां दी पालणा नूं वधाउण लई चलाई जा रही इस मुहिम दौरान हुण तक 121 लोकां नूं गिरफ्तार कीता जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां अते फर्मां दी रजिस्ट्रेशन समय बायोमैट्रिक आधारित प्रमाणकता दे पायलट प्रोजेक्ट गुजरात, पुडुचेरी अते आंध्र प्रदेश विच लॉन्च कीते गए ने। पंजाब सरकार नूं जमीन जायदाद दीआं रजिस्ट्रियां तो सिर्फ दिसंबर महीने विच ही पिछले साल दे मुकाबले 32% ज्यादा आमदन हुई है। माल मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने दस्सिया है कि जमीन जायदाद दीआं रजिस्ट्रियां तो पंजाब सरकार दे खजाने विच दिसंबर 2023 च पिछले साल दे मुकाबले 102 करोड़ रुपए वध माली आया है। उन्होंने अपील की कि सूबे दे खजाने नूं होर मजबूत करन लई लोक सरकार दा साथ देन अते किसी भी काम लई किसी भी अधिकारी जां कर्मचारी नूं कोई रिश्वत ना दित्ती जावे। जे माल विभाग दा कोई अधिकारी जां कर्मचारी किसी काम बदले पैसा मंगदा है तां बिना झिझक शिकायत दर्ज करवाई जाए, दोषी नूं किसी भी हालत विच बख्शिया नहीं जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि माल विभाग की कारगुजारी च होर सुधार लियाउण अते लोकां नूं निर्विघन सेवावां देण लई नवीं नियुक्तियां कीतियां जा रही ने अते पढ़े लिखे नौजवान लड़कियां अते लड़कियां नूं रोजगार दिता जा रहा है। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर राइफल अते पिस्टल निशानेबाजी मुकाबला 2024 अज तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विच शुरू होगा। इस मुकाबले विच भारत के 49 निशानेबाज हिस्सा लै रहे ने। इस महाद्वीप मुकाबले विच कुल 16 ओलंपिक कोटा थावां उपलब्ध ने। भारतीय पिस्टल निशानेबाज वध तो वध 5 थावां लई दावेदार होणगे। सरबजोत सिंह, भनु भाकर अते अनीश पानवाला पहलां ही अपनियां थावां हासिल कर चुके ने। मर्दां अते महिलावां दी 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलियां विच भारतीय निशानेबाजां कोल सब तो वध 3 थावां यकीनी बनाउण दा मौका होवेगा। ईशा सिंह, रिदम सांगवान अते राही सरनोबत, गुरप्रीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, विजयवीर सिद्धू एयर पिस्टल मुकाबले विच भारतीय भागीदार होणगे। हॉकी इंडिया ने आज तो बंगलुरु दे भारतीय खेड अथॉरिटी सेंटर विच शुरू होने वाले जूनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग कैंप लई 41 मैंबरी ग्रुप का ऐलान कर दिता है। इन्हां खिडारियों 2023 विच आयोजित घरेलू चैंपियनशिप विच उन्हां दी कारगुजारी दे आधार ते चुनिया गया सी। इह कैंप 6 फरवरी तक चलेगा अते तुषार खांडेकर खिडारियों नूं सिखलाई देणगे। पंजाब विच ठंड दा प्रकोप लगातार वधदा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों तो पै रही संघनी धुंद तो बाद ठंड ने जोर फड़ना शुरू कर दिता है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, कौमी राजधानी खेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश अते बिहार विच वधेरे ठंड जारी रहने की संभावना जतांदिआं ओरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पंजाब अते हरियाणा विच अगले 2 दिनों विच सवेरे अते रात दे समय संघनी तो वधेरे संघनी धुंद पैण की पेशनगोई की है। विभाग अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड अते मेघालिया विच भी संघनी धुंद पैण की संभावना है। पंजाब दे
कई शहरों में संघनी धुंद ते कड़ाके दी ठंड पैण कारण तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम विभाग अनुसार अमृतसर में घट्टो घट तापमान 5.8 डिग्री सैलसीयस, गुरदासपुर 4.3 डिग्री, लुधियाना 6.5, पटियाला 7 डिग्री, पठानकोट 6.2 डिग्री, फतेहगढ़ साहब 6.9 डिग्री, मोहाली 7.8 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी देख सकते हैं। तो इस ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंगे, इजाजत दो, नमस्कार।